आपका क्वेश्चन है, द बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स. इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वॉटर. ठीक है, तो यहां पर देखो आपका क्या क्या है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. ठीक है, तो आपका है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, और यू कैन से अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स. ठीक है, नाउ तो व्हेन वी आर गोइंग अपवर्ड्स तब आपका क्या होगा, आवर स्पीड गेट डिक्रीज. तो दैट वी नो दैट स्पीड इज डिक्रीज. एंड व्हेन वी आर गोइंग टूवर्ड्स डाउन साइड स्पीड गेट इंक्रीज. है ना, क्योंकि अगर हम ग्रेविटी की तरफ जाएंगे, टूवर्ड्स ग्रेविटी इफ वी आर गोइंग देन अवर स्पीड गेट इंक्रीज, और अगेंस्ट ग्रेविटी द स्पीड गेट डिक्रीज. ठीक है, नाउ तो सपोज वी हैव टेकन द स्पीड ऑफ अ बोट, स्पीड ऑफ अ बोट बी एक्स किलोमीटर्स पर आवर इन स्टिल वॉटर, और यू कैन से इन अ हॉरिजेंटल लेवल वॉटर. तो स्पीड ऑफ बोट दैट इज एक्स किलोमीटर्स पर आवर, दैट मीन्स विदाउट एनी टाइड, कोई टाइड नहीं है उसके अंदर, कोई स्ट्रीम इज नॉट देयर, नो करंट इज देयर, ओनली अ वॉटर इज देयर. सो ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्या लेना है, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दैट मीन्स देयर इज अ टाइड. तो वी कैन से स्पीड ऑफ द टाइड, और यू कैन से स्ट्रीम, दैट इज योर वाई किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है, नाउ अब आप देखो कि व्हेन वी आर गोइंग अपवर्ड्स आवर स्पीड गेट डिक्रीज्ड और रिड्यूस्ड. तो कैसे रिड्यूस होगी, हाउ द स्पीड ऑफ द बोट इज व्हाट अपोज्ड बाय व्हाट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, दैट मींस आवर स्पीड ऑफ बोट टूवर्ड्स अपसाइड क्या होगा आपका, इट शुड बी एक्स माइनस वाई. तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई किलोमीटर्स पर आवर. एंड जब हम नीचे की तरफ आएंगे टूवर्ड्स डाउन साइड, तो आपका स्पीड कैसे हो जाएगा, इट विल गेट इंक्रीज. दैट मीन्स आपका स्ट्रीम एंड द बोट दोनों का स्पीड क्या होगा, एडेड अप. तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है, नाउ तो अब आप स्टेटमेंट्स पढ़ो, इसने क्या कहा है, इसने कहा है द बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, दैट मीन्स आपका फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. है ना, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. तो हियर इसने क्या दे रखा है, देखो 30 किलोमीटर, दैट मीन्स डी दे हैव गिवन यू, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम दे हैव गिवन, दैट मीन्स स्पीड दे हैव नॉट गिवन नाउ, एंड 10 आवर दैट मीन्स टोटल आवर दे हैव गिवन यू टी, तो टी दे हैव गिवन यू. है ना, तो नाउ वी कैन गो फॉर टी इज इक्वल टू डी बाई एस, डिस्टेंस बाई स्पीड. ठीक है, नाउ तो फर्स्ट आपका क्या है, देखो 30 किलोमीटर्स, तो 30 बाई स्पीड, स्पीड इन अपवर्ड्स इज एक्स माइनस वाई,
तो x माइनस वाई प्लस 44 किलोमीटर डाउनवर्ड्स, तो 44 बाई एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू, नाउ दिस इज द टाइम फॉर अपस्ट्रीम, दिस इज द टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम, तो नाउ टोटल टाइम इज योर 10 आवर्स, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, नाउ सेकेंड इक्वेशन के लिए पढ़ो. इन 33 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो दैट मीन्स 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज एक्स माइनस वाई इज द स्पीड, प्लस नेक्स्ट इज 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 55 बाय एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 13 आवर्स. तो दैट इज योर 13 आवर्स. तो दीज टू आर आवर स्टेटमेंट. नाउ अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें क्या दे रखा है. देखो 30 बाई एक्स माइनस वाई, यहां पर है 40 बाई एक्स माइनस वाई, यहां पर है 44 बाई एक्स प्लस वाई, यहां 55 बाई एक्स माइनस वाई. ठीक है, दैट मीन्स वी विल गो फॉर रेड्यूसिबल मेथड, कि वी विल रेड्यूस इट. तो रेड्यूस के लिए आपको क्या करना है, वी विल टेक 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए एंड 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी. ठीक है, तो अब इसको रिड्यूस करो, तो आप तक देखो क्या आ रहा है, आपका आ जाएगा 30 ए प्लस 44 बी इज इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इज योर 40 ए प्लस 55 बी इज इक्वल टू 13. ठीक है, नाउ अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से वी विल सॉल्व इट. तो एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या किया, ए को एलिमिनेट किया, दैट मींस हम क्या करेंगे, अब 30 एंड 40 का एलसीएम क्या होता है हमारा, 120. तो एलसीएम इज 120, तो हमने इसको 120 बनाना है. तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया बाय 4 एंड सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया बाय 3. तो अब आपका क्या आ गया, देखो 120 ए प्लस 4 इंटू 44 इज 176, बी इज इक्वल टू 40. और सेकेंड वाला 120 ए प्लस 3 इंटू 55 इज 165, B इज इक्वल टू 39. ठीक है, नाउ अब साइंस आर सेम, तो हमने क्या करेंगे, वी विल गो फॉर सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस एंड माइनस, साइन विल गेट चेंज नाउ. तो अब आपका क्या आ गया, देखो 120 ए माइनस 120 ए गेट कैंसल, 176 बी माइनस 165 बी आपका हो गया 9b, है ना, नहीं 11b. तो 11b इज इक्वल टू, नाउ इट इज 1, तो b आपका क्या आ गया, b इज इक्वल टू 1 बाय 11. अब आप a निकालो, तो a के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर दिया, तो दैट इज योर 30a प्लस 44 बी, बी इज 1 बाई 11, तो इंटू 1 बाई 11 दैट इज इक्वल टू 10, कट हो रहा है 11 से, ये हो गया 4. तो अब आपका आ गया 30 ए इज इक्वल टू 10 और 4 राइट में गया तो माइनस 4, तो आपका आ गया 30 ए इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 6 बाई 30, कट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो दैट इज इक्वल टू 6 से कट करो, यू विल गेट 1 बाई 5. तो a इज 1 बाई 5 एंड b इज 1 बाई 11, लेकिन हमने क्या लिया है, देखो a इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस वाई,
तो दैट मीन्स 1/5 इज इक्वल टू 1/x-y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये दोनों को, तो आपका क्या आ जाएगा, देखो x-y इज इक्वल टू 5, है ना। और यहां पर भी सेम पुट करो x+y, तो आपका क्या आएगा, देखो 1/x+y। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये दोनों को, तो आपका क्या आ गया, x+y इज इक्वल टू 11। नाउ अगेन आपको करना है इसमें एलिमिनेट, दो बार एलिमिनेट करना पड़ेगा, हर एक मैक्सिमम बहुत कम है जिसमें आपका एक बार में आ जाएगा, अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर टू टाइम्स एलिमिनेशन, वन इज फॉर ए बी एंड वन इज फॉर एक्स एंड वाई। तो यहां पर देखो क्या आ रहा है आपका, एक्स एंड एक्स इज 2x, ये कट हो गया आपका, दैट इज इक्वल टू 5 एंड 11 इज 16। तो x इज इक्वल टू 16/2, दैट इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर इज योर स्पीड ऑफ द बोट, x इज स्पीड ऑफ द बोट। अब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालना है आपको, y निकालने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन एनी वन। तो हमने फर्स्ट वाले में कर दिया, तो आपका क्या आ गया, देखो 8-y इज इक्वल टू 5, तो 8 राइट में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -8, तो आपका आ गया -y इज इक्वल टू 5-8, तो 5-8 इज -3, तो -y इज इक्वल टू -3, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, है ना, माइनस एंड माइनस कट गया तो आपका आ गया 3 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स योर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।